गुड मॉर्निंग क्लास क्लास फिफ्थ इट्स टाइम टू मैथ सो ओपन योर मैथ्स बुक चैप्टर नाइन एक्सरसाइज टेन हेयर क्वेश्चन नंबर सी कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड देन फाइंड द अमाउंट आपको इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करना है फिर उसके बाद आपको अमाउंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है ओके स्टूडेंट्स हेयर क्वेश्चन नंबर वन रुपीज फोर हंड्रेड एट थ्री परसेंट फॉर टू ईयर्स आपको इसमें प्रिंसिपल यानी कि पी पी इक्व टू फोर हंड्रेड आर जो हमेशा हमें परसेंटेज में दिया होता है आर इक्वल टू थ्री परसेंट एंड टी इक्वल्स टू टू ईयर सो हेयर स्टूडेंट्स यू विल राइट लाइक दिस पी इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड आर इक्वल टू थ्री परसेंट एंड टी इक्वल्स टू टू ईर नाउ स्टूडेंट्स यू विल फाइंड द इंटरेस्ट सो एस आई सो स्टूडेंट्स हेयर यू विल फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट एस आईव टू पी इन आर इन टी अपॉन हंड्रेड हेयर वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ पी फोर हंड्रेड सो यू विल राइट हेयर फोर हंड्रेड एंड हेयर इज थ्री परसेंट जब भी हमें प्रसेंटेज में कोई भी वैल्यू दी होती है तो हम उसके डिवाइड में हंड्रेड लगा देते हैं प्रसेंटेज को रिमूव करके हेयर टी इक्वल्स टू टू ईयरस ओके स्टूडेंट्स सुनाओ अब फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू के डिवाइड में हंड्रेड है जब आप हंड्रेड को फोर से डिवाइड करेंगे तो आपका फोर रह जाएगा इसलिए हमने टू जीरो से टू जीरो कट कर दिया यहाँ बचा हमारा फोर इंटू थ्री इंटू टू ये डिवाइड में वन है हमारा वन को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी डिजिट सेम आएगी फोर थ्री इज ट्वेल्व ट्वेल्व टू इज ट्वेंटी फोर सो योर इंटरेस्ट इक्व टू रुपीज ट्वेंटी फोर इंटरेस्ट कितना आया हमारा रुपीज ट्वेंटी फोर इट्स इंटरेस्ट नाउ अमाउंट अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई सो पी इक्वल टू फोर हंड्रेड And interest equals to 24. So your answer is amount equals to 424. Rupees 424. Okay students. So interest equals to 24 and amount equals to 424. It's your answer. Now you will solve it like this. Question number 2. 2500 it means 2500 rupees at 4% for the 9 months. Okay students. Here students P equals to rupees 2500.

डिवाइड में लगा देते हैं एंड टी इक्वल्स टू नाइन अपॉन ट्वेल्व ओके स्टूडेंट्स आपने ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से डिवाइड करा तो टू जीरो कट हो जाएंगे यहाँ हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव इंटू फोर इन नाइन अपॉन ट्वेल्व ओके स्टूडेंट्स हेयर ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई नाइन बट इन तीनों की डिजिट में कितना है डिवाइड में कितना है ट्वेल्व सो फोर वन ज फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व हेयर इज़ थ्री हेयर इज़ ट्वेंटी फाइव फोर आपका यहाँ से हमने जब इसको डिवाइड करा है ट्वेल्व से फोर आपका वन बचा है यहाँ तो ट्वेंटी फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव देन नाइन मल्टीप्लाई में नाइन अपॉन में कितना बचाया थ्री थ्री को नाइन से जब हम नाइन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री थ्री सा नाइन सो हेयर स्टूडेंट्स ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई थ्री ट्वेंटी फाइव वन जो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी एंड ट्वेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फ़ाइव सो रुपीज़ सेवेंटी फाइव इज योर इंटरेस्ट एंड योर अमाउंट इक्वल्स टू And your amount equals to P plus I, P equals to 2500, then I equals to 75. So, students, your answer is 2575. Rupees 2575 amount is your answer. Here, question number 3, Rupees 1500, 8% for the 3 months. Here, students, P equals to 1500, R equals to 8%. एंड टी इक्वल्स टू थ्री मंथ इट मीन्स थ्री मंथ्स में टोटल मंथ कितने होता है ट्वेल्व तो थ्री अपॉन ट्वेल्व ईयर ओके स्ट्रेंड सो हेयर एस आई इक्व टू पी इं टू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड पी आर एट परसेंट एंड टाइम थ्री अपॉन ट्वेल्व टू जीरो से टू जीरो कट हो गई नाउ हेयर फिफ्टीन इंटू एट इंटू थ्री अपॉन ट्वेल्व स्टूडेंट्स हेयर फिफ्टीन इंटू एट थ्री थ्री को ट्वेल्व से डिवाइड कीजिए थी थ्री फोर से ट्वेल्व फोर को हमने एट को हमने फोर से डिवाइड किया टू सो हेयर फिफ्टीन इंटू टू सो इक्वल्स टू थर्टी रुपीज़ थर्टी इज़ योर इंटरेस्ट एंड योर अमाउंट इक्वल्स टू p प्लस आई 1500 plus 30. So equals to 1530 rupees. It's your amount. Okay, students, so like this you will solve it. Here question number 4 rupees 1000 seven percent for the six month. So here p equals to 1000, r equals to 7%, and t equals to 6 upon 12 year. हेयर एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड हेयर स्टूडेंट्स पी इक्स टू वन थाउजेंड आर सेवन परसेंट तो सेवन डिवाइड में इसके हंड्रेड क्योंकि यहाँ परसेंटेज है एंड हेयर सिक्स अपॉन ट्वेल्व टू ज़ीरो से टू ज़ीरो कट कीजिए सिक्स वन जिक्स सिक्स टू ज ट्वेल्व सो हेयर स्टूडेंट टेन मल्टीप्लाई सेवन अपॉन मे टू हेयर टू फाइव ज टेन So here equals to 3 a, Sorry, 5 7s are 35. So your SI equals to rupees 35. And your amount equals to P plus I. P equals to 1000. Then I equals to 35. So your answer is rupees one zero. 3, 5. Here, question number 5, rupees 458 to 1 upon 3 percent for 4 years. Here, is friends P equals to 450. R equals to 3 to the 6, then 1, plus 1. 3 to the 6 and 1, 7 upon 3 percent. And here, T equals to 4 years. ओके ये मंथ में नहीं है तो ईयर्स में हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है ओके स्टूडेंट्स सो हेयर एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इन टू टी अपॉन हंड्रेड पी इक्वल्स टू फोर फिफ्टी आर इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री परसेंट टी इक्वल्स टू फोर टू सॉरी स्टूडेंट्स हेयर हंड्रेड वन ज़ीरो से वन ज़ीरो आपने कट किया सो फोर्टी फाइव सेवन फोर देन थ्री इंटू टेन ओके नाउ थ्री को फोर्टी फाइव को थ्री समझ डिड करा थ्री वन ज थ्री एंड थ्री फाइव ज फिफ्टीन एंड हेयर फिफ्टीन मल्टीप्लाय सेवेन मल्टीप्लाय फोर अपॉन टेन फाइव थ्री ज फिफ्टीन फाइव टू ज टेन टू टू ज फोर सो हेयर थ्री मल्टीप्लाय सेवेन मल्टीप्लाय टू 3 are 21, then multiply 2. Your interest rupees 42. Okay, students. Now amount equals to you will find the amount. So amount equals to P plus I. P principal. Principal is 450 and I interest is 42. So your answer is 2 rupees. 492 is your amount here question number 6 rupees 1800 6% for 2 months here students p equals to 1800 r equals to 6% and t equals to 2 month it means 2 upon 2 sorry 2 upon 12 year here si equals to p into r इंटू टी अपॉन हंड्रेड पी इक्वस टू एटीन हंड्रेड आर सिक्स परसेंट टी टू अपॉन ट्वेल्व टू ज़ीरो से टू ज़ीरो कट कर दीजिए हेयर सिक्स टू ज ट्वेल्व टू वन ज टू सो हेयर इज एटीन इंटरेस्ट इक्व टू रुपीज़ एटीन नाउ यू विल फाइंड द अमाउंट सो अमाउंट इक्वस टू पी plus i p 1800 then now you will add the in. amount equal uh, amount equals to p plus i 1800 plus 18 so your answer is 1880 amount is rupees 1880